जय हिंद। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने एस्टेब्लिशमेंट, कंपोजिशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एनएचआरसी के वर्किंग के बारे में, रोल के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कमीशन का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। लेकिन अगर कमीशन चाहे तो किसी भी दूसरे जगह पर अपने ऑफिस को एस्टेब्लिश कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कमीशन को ये भी पावर दी गई है कि वो अपने प्रोसीजर को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है। इट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। कमीशन जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है, तो इट हैज़ ऑल पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के सारे पावर्स कमीशन के पास में होते हैं एंड इट्स प्रोसीडिंग्स हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर। कमीशन अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी दूसरे अथॉरिटी को कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी रिपोर्ट अपने सामने लाने के लिए बोल सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, कमीशन इन्वेस्टिगेशन करता है और ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमीशन के पास में अपना इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ भी होता है। लेकिन अगर कमीशन को ज़रूरत पड़े तो कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर को या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मदद के लिए बोल सकता है, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकता है। कमीशन बड़ा क्लोजली काम करता है एनजीओज के साथ में, ऐसे एनजीओज के साथ में जिनके पास में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। बड़ी बेसिक सी बातचीत है। कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। कमीशन को पावर दी गई है टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कमीशन हैज़ ऑल पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर। ज़रूरत पड़े तो कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी दूसरे अथॉरिटी को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिपोर्ट अपने सामने लाने के लिए बोल सकता है। कमीशन के पास में अपना इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मदद के लिए बोल सकता है। कमीशन बहुत क्लोजली काम करता है एनजीओस के साथ में। लेकिन कमीशन के वर्किंग का एक बहुत बड़ा लूप होल है, एक बहुत बड़ी कमी है। और कमी क्या है? एनएचआरसी कैन लुक इनटू अ मैटर विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस। मतलब आज कोई ह्यूमन राइट वायोलेशन हुआ, विद इन एक साल कमीशन उसको इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन अगर एक साल से ज़्यादा हो गया है तो कमीशन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है एनएचआरसी का, ध्यान रखा जाए। लेकिन हाँ, जिन भी केसेस में एनएचआरसी इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है, वहाँ पे कमीशन क्या स्टेप्स ले सकता है, एक चीज़ और ध्यान रखी जाए। कमीशन जो भी स्टेप्स लेगा वो रिकमेंडेटरी होती हैं। बेसिकली कमीशन जो है वो रिकमेंडेशंस देता है कंसर्न्ड गवर्नमेंट को, कंसर्न्ड अथॉरिटी को। क्या रिकमेंडेशंस दे सकता है? पहला, टू मेक पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस टू द विक्टिम। जिसके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ है उस विक्टिम को कुछ कंपनसेशन दिया जाए, कुछ मदद दी जाए, कुछ पैसे दिए जाए, इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दे सकता है कमीशन। और क्या रिकमेंडेशन दे सकता है? टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स ऑफ प्रोसिक्यूशन और एनी अदर एक्शन अगेंस्ट गिल्टी पब्लिक सर्वेंट। जिस पब्लिक सर्वेंट ने किसी के ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया है उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएं, इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दे सकता है कमीशन। फिर इसके अलावा कमीशन मे ग्रांट इमीडिएट इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम। ये भी रिकमेंडेशन दे सकता है कि जो विक्टिम है जिसके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ है उसको इमीडिएट इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड की जाए। इमीडिएट रिलीफ, किसी भी तौर पर इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड की जाए, इसकी भी रिकमेंडेशन कौन दे सकता है? एनएचआरसी दे सकता है। कमीशन अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को या फिर कंसर्न्ड हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रिकमेंडेशंस हैं। किसी कंसर्न्ड गवर्नमेंट को, किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी को एनएचआरसी रिकमेंडेशंस दे रहा है कि भाई साहब विक्टिम को कंपनसेशन दे दो, विक्टिम को इमीडिएट इंटरिम रिलीफ दे दो। कमीशन अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न्ड हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है नेसेसरी डायरेक्शंस के लिए, ऑर्डर्स के लिए, रिट्स के लिए। रिकमेंडेशन दे सकता है कि जिस पब्लिक सर्वेंट ने किसी के ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया है उसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन की शुरुआत की जाए। ये सारी रिकमेंडेशंस हैं। और वही कमीशन का रोल भी है कि कमीशन का जो फंक्शन है वो रिकमेंडेटरी है।
और बहुत बड़ा लिमिटेशन एनएचआरसी का ये है कि इट हैज़ नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। जिसने भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है उसको कमीशन पनिश नहीं कर सकता, पनिशमेंट नहीं दे सकता, और ना ही कमीशन विक्टिम को कोई मदद दे सकता, जैसे मॉनेटरी रिलीफ वगैरह, कोई अवार्ड वगैरह, कोई पैसा वगैरह नहीं दे सकता। तो दो लिमिटेशंस अपन ने देख ली। एक लिमिटेशन तो ये है एनएचआरसी की कि इट कैन लुक इनटू अ मैटर विद इन वन ईयर ऑफ इट्स अकरेंस, बड़ी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि जिसने ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया है उसको एनएचआरसी खुद से पनिश नहीं कर सकता, और जिसके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ है उसको एनएचआरसी कोई अवार्ड, कोई मॉनेटरी रिलीफ वगैरह नहीं दे सकता। और तीसरी लिमिटेशन, एनएचआरसी की जो भी रिकमेंडेशंस हैं दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंसर्न्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटी। एनएचआरसी की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती हैं, सरकार के ऊपर है, अथॉरिटी के ऊपर है, उसे एक्शन लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज द रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग। लेकिन हाँ, एक छोटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है एनएचआरसी को। एनएचआरसी जो भी रिकमेंडेशंस दे रहा है उन रिकमेंडेशंस पे क्या एक्शंस लिए गए उसकी जानकारी एनएचआरसी को दे दी जाती है विद इन वन मंथ। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है ये बेहद छोटी है। बट हाँ, एक फॉर्मर मेंबर ऑफ द कमीशन ने ये कहा दैट द गवर्नमेंट कैनॉट वॉश अवे द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमीशन। कमीशन जो भी रिकमेंडेशंस दे रहा है सरकार उनको छोड़ नहीं सकता है, उनसे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। द कमीशन्स रोल मे बी रिकमेंडेटरी एडवाइजरी येट द गवर्नमेंट कंसिडर द केसेज फॉरवर्डेड बाय इट। कि कहने में, जानने में तो कमीशन का जो रोल है वो रिकमेंडेटरी है, एडवाइजरी है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी केसेस एनएचआरसी फॉरवर्ड करता है उसको, उनको सरकार देखे। इट इज़ देयरफॉर इम्प्रॉपर टू से दैट द कमीशन इज़ पावरलेस। तो ये बहुत ही इम्प्रॉपर होगा ये कहना कि कमीशन जो है वो पावरलेस है। इट इन्जॉयज ग्रेट मटीरियल अथॉरिटी एंड नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर इट्स रिकमेंडेशन। कमीशन के पास में एथिकल सेंस में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी पावर है, और कोई भी गवर्नमेंट इसके रिकमेंडेशंस को इग्नोर करने की हिमाकत नहीं कर सकती है। बट एक्चुअल में अपन देखें तो तीन लिमिटेशंस क्या है एनएचआरसी की। एक तो इट कैन लुक इनटू अ मैटर विद इन वन ईयर ऑफ इट्स अकरेंस, सिर्फ एक साल में इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है। अगर एक साल से ज़्यादा हो गया है ह्यूमन राइट वायलेशन के केस को तो कमीशन इंक्वायरी नहीं कर सकता है। इस कमीशन के पास में कोई भी पावर नहीं होती है वायलेटर को पनिश करने की। इसकी जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं सरकार के ऊपर। एक और लिमिटेशन है, जब आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स से रिलेटेड बातचीत होती है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की, कि किसी आर्म्ड फोर्स के मेंबर ने किसी दूसरे इंसान के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर दिया है, तो वहां भी एनएचआरसी का लिमिटेड रोल है, लिमिटेड पावर्स है, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है। उन केसेस में एनएचआरसी बस सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांग सकता है और अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। एक छोटी सी प्रोटेक्शन यहाँ भी प्रोवाइड की गई है एनएचआरसी को कि जो भी रिकमेंडेशंस एनएचआरसी ने दी उन रिकमेंडेशंस पे क्या एक्शन लिया गया उसकी जानकारी एनएचआरसी को दे दी जाती है विद इन 3 मंथ्स। तो 4 लिमिटेशंस हो गई, और लिमिटेशंस मैं बार बार इसलिए बुला रहा हूँ बिकॉज ये पूछ ली जाती है एग्जाम में एनएचआरसी की लिमिटेशंस। एक लिमिटेशन क्या है कि किसी भी केस को एनएचआरसी कैन इन्वेस्टिगेट विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस। दूसरा लिमिटेशन क्या है, वायलेटर को पनिश करने की कोई भी पावर नहीं है। तीसरा लिमिटेशन क्या है, इसकी रिकमेंडेशंस सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और चौथा लिमिटेशन क्या है, अगर किसी आर्म्ड फोर्स के मेंबर ने किसी के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है तो वहाँ भी एनएचआरसी का रोल जो है लिमिटेड है, उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं। वहाँ पे एनएचआरसी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांग सकता है और अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। एनएचआरसी जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है और स्पेशल रिपोर्ट सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स को, और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स के सामने रखी जाती हैं। मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी तो राज्यसभा लोकसभा के सामने रखी जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट के हाउसेस के सामने रखी जाएगी। और इन रिपोर्ट्स के साथ में एक पूरा डॉक्यूमेंट होगा जिसमें बताया जाएगा कि एनएचआरसी की रिकमेंडेशंस पे क्या एक्शन लिया गया, और जिन रिकमेंडेशंस पे एक्शन नहीं लिया गया वहाँ एक्शन क्यों नहीं लिया गया वो पूरी जानकारी दी जाएगी। एनएचआरसी के प्रॉब्लम्स क्या हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। दिन पे दिन एनएचआरसी का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। नियरली 1 लाख कंप्लेंट्स एवरी ईयर आर रिसीव्ड बाय द एनएचआरसी और 1 लाख कंप्लेंट्स नियरली मिलती हैं हर एक साल एनएचआरसी को। इसका मतलब लोग जो हैं वो एनएचआरसी की तरफ देखते हैं जब भी उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। लेकिन चेयरपर्सन के पास में, एनएचआरसी के पास में बड़ा लिमिटेड पावर्स हैं, बड़ा लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, बड़ा लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स हैं। लिमिटेशंस अभी अभी अपन देख कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। हर एक साल एनएचआरसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पैसा देती है ग्रांट इन एड के तौर पे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कुछ पैसा देती है एनएचआरसी को ग्रांट इन एड के फॉर्म में, और ये जो पैसा दिया जा रहा है एनएचआरसी इसको अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। लेकिन फिर भी पैसे की कमी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, मैन पावर कंस्ट्रेंट्स हैं। जितनी एनएचआरसी की फुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उतने मेंबर्स एनएचआरसी में कभी भी नहीं रहे हैं, और इसलिए एनएचआरसी अपने कामकाज को फुलफिल करने के लिए रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मदद लेती है। तो मैन पावर के कंस्ट्रेंट्स हैं, मैन पावर की कमी है। इनफैक्ट एनएचआरसी की जो लॉ डिवीजन है वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर का शॉर्टेज है। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एनएचआरसी में ये जो शॉर्टेज है ये बड़ी समस्या वाली बात है, दिक्कत वाली बात है, और सरकार को बोला कि यार इस डायरेक्शन में काम करो, आप ध्यान दो, ये जो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है एनएचआरसी के पास में ये नहीं रहनी चाहिए। बेसिक बातचीत है। इसके साथ आज का अपना सेशन खत्म हो गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि कमीशन इज़ वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। दूसरा, इट हैज़ ऑल पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या किसी भी अथॉरिटी से एनएचआरसी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिपोर्ट अपने सामने मंगवा सकती है। लिमिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एनएचआरसी कैन लुक इनटू अ मैटर विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस। एनएचआरसी जो भी स्टेप्स लेती है इंक्वायरी करने के बाद उनमें बेसिकली रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं, एक्चुअल में कोई पावर नहीं है। इनफैक्ट एनएचआरसी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने वाले इंसान को पनिश नहीं कर सकती, और जो विक्टिम है उसको कोई अवार्ड, कोई मॉनेटरी रिलीफ नहीं दे सकती। एनएचआरसी के जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं होते सरकार के ऊपर। बस हाँ, जो भी रिकमेंडेशंस हैं उन पे क्या एक्शन लिया गया उसकी जानकारी एनएचआरसी को दे दी जाती है विद इन 1 मंथ। एक्चुअल में एज सच कोई पावर नहीं है एनएचआरसी के पास में। बात जब आती है आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर्स की, अगर वो कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं तो वहाँ भी एनएचआरसी का रोल जो है वो लिमिटेड है। इस केस में एनएचआरसी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांग सकती है और अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है। रिकमेंडेशंस देने के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया उसकी जानकारी विद इन 3 मंथ्स एनएचआरसी को दे दी जाती है, बाकी कुछ नहीं है। एनएचआरसी एक एनुअल रिपोर्ट और एक स्पेशल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है और कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को भी देती है। एनएचआरसी के प्रॉब्लम्स क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, मैन पावर कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये सारी बातचीत अपन ने कर ली। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।